हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस व्यापार से। और सामने जो आप फोन देख रहे हैं, यह है मोटोरोला का मोटो वन मैक्रो। जी हां, अभी अभी ये लॉन्च हुआ है। इसके जस्ट पहले मोटोरोला ने एक और कैमरा सेंट्रिक फोन लॉन्च किया था, मोटो वन एक्शन, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। इस फोन की जो यूएसपी है वो है इसका क्वाड कैमरा सेटअप। जी हाँ, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, फिर है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर एंड टाइम ऑफ लाइट सेंसर इसके जस्ट नीचे, और ये रहा इसका एलईडी फ्लैश। मोटोरोला डिम्पल जो इनका सिग्नेचर डिजाइन है, फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करता है, और आगे आपको मिलता है 6.2 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले। तो ऑफ कोर्स इसके कैमरा के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम है हमारे गेमिंग रिव्यू का, क्योंकि हम हर फोन का गेमिंग रिव्यू करते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला फोन कैसे हमारे गेमिंग रिव्यू में परफॉर्म करता है। अभी मेरे पास आज मेरी टेम्परेचर गन नहीं, अगर आपको पता होगा पहले वाले रिव्यूज देखे होंगे तो मैं टेम्परेचर गन यूज करता हूं। तो आज मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, तो आप देख सकते हो यार 31% इसका, आप देख सकते हो कि 31 डिग्री इसका अभी टेम्परेचर है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 11:57 और बैटरी है इसकी 75%। लगभग एक घंटे के आसपास हम लोग गेमिंग करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर कितना अप होता है और बैटरी परसेंटेज कितना डाउन। तो शुरू करते हैं गेमिंग टेस्ट। गेम लोड हो रहा है, जितनी देर में गेम लोड होगा मैं आपको इसके जो इंटरनल से उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको इसमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर, 4GB की रैम है और 64GB की स्टोरेज है। जो अच्छी बात है इसकी कि इसके अंदर है 4000mAh की बैटरी, लेकिन वो आती है 10V की फास्ट चार्जिंग के साथ, और इसमें आपको मिलता है USB Type-C। तो ये तो इसके यार ओवरऑल जो स्पेक्स थे वो हो गए। कैमरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्वाड कैमरा है। आगे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो ज़्यादा मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सीधे शुरू कर लेते हैं हमारा गेमिंग रिव्यू। जब तक गेम मतलब हम लोग उड़ के हमारे आइलैंड पे गिरेंगे, उतनी देर में मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो अभी इसमें आप गेम SG पे खेल सकते हो ग्राफिक्स में, और यहाँ पर आपके पास फ्रेम रेट हाई का है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो यानी कि इस फ़ोन की जो हाईएस्ट सेटिंग है उसके ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। मेरे कंट्रोल्स भी एकदम सेट हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। ये लाइन वैसे मुझे मोटरो वन एक्शन में बोलनी थी, नहीं तो आ गए हैं हम लोग हमारे ग्राफिक शार्पनेस और जो ओवरऑल गेम की डिटेल्स कैसी हैं जहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं वो वाली बिल्डिंग के पास। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसी बिल्डिंग पे आके हर एक फ़ोन के जो ग्राफिक्स की डिटेल्स कैसी हैं या इसके ग्राफिक्स की क्वालिटी कैसी है, शार्पनेस कितनी, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं तो जो ब्रिक्स हैं वो मतलब इनकी डिटेल्स जो आपस में, मतलब ब्रिक्स आपको आपस में क्लियर दिख रही है, बीच में जो ऐसे जो लाइनिंग्स बनी हुई है वो थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी ना मतलब शार्प नहीं है। तो ठीक है यार, सेगमेंट के हिसाब से इसकी जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो अच्छी है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आसमान में और ये जो यहाँ पर बिल्डिंग है इसके बीच में काफ़ी आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। जो पूरा शेप है वो भी काफ़ी सही से ऐसे कटा हुआ है ना, किसी चीज़ में दिखता नहीं है, तो इसमें ये क्लियर है। सेम ऐसे यहाँ पर यार पेड़ और आसमान के बीच में एकदम पूरा आराम से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो यस, ग्राफिक्स क्वालिटी अगर आप पूछोगे कैसी है तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है। गेम के अंदर स्मूथनेस कैसी है वो भी अभी तक यार गेम प्ले के हिसाब से अभी तक तुम्हारा गेम प्ले काफ़ी डिसेंट है, तो वो भी अच्छी है। ग्राफिक्स क्वालिटी इसकी अच्छी है, शार्पनेस है गेम में, कहीं कहीं पर थोड़ी सी लूज है बट दैट्स टोटली फाइन। कंटिन्यू रखते हैं हमारा गेम प्ले। तो बग्गी के जो टायर्स हैं उनकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यार आप देख सकते हैं कि जो टायर के जो ग्रिड्स हैं मतलब बीच में जो बने हुए होते हैं वो यार दिख रहे हैं बट वो शार्प नहीं है। तो ठीक है यार, सेगमेंट के हिसाब से ऐसा मैंने पहले बोला था कि यार डिटेल्स इसकी ठीक हैं, और जो टायर्स हैं उनकी डिटेल्स भी मैं ठीक बोलूँगा, अच्छी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे दूसरे कुछ फ़ोन से इनमें मैंने गेम खेला था तो यार जो डिटेल थी ना, ऐसे टायर आप देख रहे हैं घूम रहे हैं, उस टाइम पर जो ग्रिड्स हैं ना वो इतनी क्लियर नहीं है, यूजुअली कुछ फ़ोन में वो होती हैं। तो ठीक है, लेकिन अभी तक का मेरा गेम प्ले काफ़ी अच्छा रहा है, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई है। फ़ोन भी थोड़ा बहुत गर्म हो गया है पीछे से, तो अगर आप टेम्परेचर वाइज मुझसे पूछोगे कि यार टेम्परेचर अभी कितना हो रहा है, तो 37 के आसपास कुछ टेम्परेचर हो रहा है, जो कि ठीक है यार, क्योंकि अपन को ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो
40 मिनट के आसपास तो हो ही गए खेलते हुए, तो कंटिन्यू रखते हैं गेम प्ले 45 मिनट्स के आसपास या एक घंटे के आसपास जो भी हुआ खेल लेंगे, या अदर राउंड को ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग ओवरऑल मैं अपना वर्डिंग दूंगा आपको कैसा है ये फ़ोन या क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके गेम प्ले में। सो गाइस जल्दी से देखो यार, ऑलमोस्ट हमें 47 मिनट्स हो गए हैं, तो यार 37 के आसपास का टेम्परेचर है और जो बैटरी ड्रॉप हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने कुछ 77 के आसपास स्टार्ट किया तो 63 हो रहा है, तो यार अगेन इट्स नॉट बैड, कोई बैटरी परसेंटेज इतना बुरा भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो काफ़ी डिसेंट है देखा जाए तो, क्योंकि ब्राइटनेस भी हमने ऑलमोस्ट यार देखो काफ़ी ज़्यादा रख के रखी थी। तो कोई अगर मुझसे पूछेगा कि यार मेरे को एक कैमरा वाला फ़ोन चाहिए और यू नो क्या कहते हैं एक पबजी के लिए भी गेम चाहिए, सॉरी पबजी के लिए भी फ़ोन, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार पबजी के लिए फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा भी डिसेंट हो और मेरा बजट इतना है, तो यार मैं बोलूँगा कि हाँ आप इस फ़ोन को ऑफकोर्स कंसिडर कर सकते हो, दिखने में काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, बैटरी की इतनी परेशानी रहेगी, सॉफ्टवेयर का आपको ऑफकोर्स एज मिलेगा क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड भी मिल जाता है और मोटोरोला की काफ़ी सारी यू नो ऐसे वो चॉप चॉप फ्लैश एंड ऑल ये सॉरी तो चॉप चॉप फ्लैश एंड ऑल ये सब यार मिल जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसका और कौन सा वीडियो देखना चाहोगे। प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।